हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने संभाला पद। सीएम बोले, सैनी दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत। धनखड़ ने कहा, चाटुकारों से बचकर रहना। हरियाणा बीजेपी ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का पद ग्रहण समारोह रोहतक में बीजेपी के स्टेट ऑफिस में हुआ। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने नायब सैनी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हुए पदभार सौंपा। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने उन्हें गदा भेंट की। जब सीएम ने नायब सैनी का स्वागत किया तो ओम प्रकाश धनखड़ दूर खड़े थे। सीएम ने खुद धनखड़ को कहकर नायब सैनी का स्वागत और सम्मान करवाया। सीएम मनोहर ने कहा कि उन्होंने नायब सैनी के साथ एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम शुरू किया था, वह आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। यह दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है उसकी कोई ना कोई जाति जरूर होती है। साथ ही उन्होंने विपक्षियों को चैलेंज दिया कि पूर्व की सरकारों और पड़ोसी राज्यों में हरियाणा से ज्यादा विकास हुआ तो बताएं। उन्होंने कहा कि देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में भाजपा 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में बहुमत के साथ जीत रही है। वहीं अन्य 2 राज्यों की स्थिति की जानकारी नहीं है। इन चुनावों का असर हरियाणा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जल्द ही लोकसभा और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं।